कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भिवानी एसडीएम और डीएसपी ने बाजारों का दौरा किया। हमारे संवाददाता रवि जागड़ा की रिपोर्ट देखिए। और इस बीच पुलिस प्रशासन की जो टीम लगातार मुस्तैद थी पिछले 4 घंटे से, पहले दुकानें खोलने के वक्त देखा था कि किस तरह से दुकानें खोली जा रही हैं, कोई अनियमितता तो नहीं है, और अब दुकानें बंद करवाए जाने के लिए रस्साकसी तेज हो चली है। देख पाएंगे खुद भिवानी के एसडीएम, खुद भिवानी के डीएसपी और उनकी टीम पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि जो गाइडलाइंस हैं, जिस तरह के निर्देश अलर्ट हरियाणा सुरक्षित हरियाणा को लेकर के दिए गए हैं, अलर्ट महामारी सुरक्षित हरियाणा को लेकर दिए गए हैं, उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। लोग जो दुकानों पर जो भीड़ है उसको भी हटवाया गया है, उसको भी कम करवाया गया है, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, और लोगों को समझाने का जो एक तरह से बताने का और महज यही संदेश है कि लोग कोरोना की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करें, किसी भी तरह से अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। दुकानदारों के लिए विशेष हिदायत कि वो जो है तय समय पर ही दुकानें खोलें और तय समय पर ही दुकानें बंद करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में किन्नरों और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। प्रशासन के अनुसार देश की पहली बार हरियाणा सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी मौजूद रहे। वहीं ट्रांसजेंडर द्वारा इस विशेष वैक्सीनेशन कैंप परिसर में संगीत बजाकर नाच गाकर सरकार की इस मुहिम का धन्यवाद दिया। कोरोना की इस लड़ाई में जहां पूरी दुनिया में वैक्सीन का दौर चल रहा है, भारत में विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न जिलों के अंदर 18 वर्ष से 44 और 45 से ऊपर के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं एक ऐसा वर्ग भी है जिसे हम थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर समाज कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक विशेष मुहिम हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई है। उनको यहां अगर बात करें वैक्सीन को लेकर के क्या कुछ मुहिम है, बात करने के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे कि मतलब आज ये वैक्सीन की जो आज आज हमने गुड़गांव में ट्रांसजेंडर को वैक्सीनेशन के लिए एक शुरुआत की है। आज 200 लोगों को हम वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं। परसों या कल कहूँ अचानक मुझे ऐसा लगा कि ट्रांसजेंडर या कमर्शियल सेक्स वर्कर्स ये हमेशा उपेक्षित रहे हैं समाज में किसी कारण से, तो हमने इनको बुलाया और इनसे बात की। कुल मिलाकर इन्होंने हमें बताया कि गुड़गांव में 750 के करीब ये लोग हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम इनको बारी बारी से वैक्सीनेट करेंगे। आज 200 लोगों का प्लान है और कोशिश करेंगे अगले इतवार को हम बाकी सारे बचे हुए साथियों को वैक्सीनेट कर पाए। ये शायद पहली बार ही होगा अभी तक हरियाणा में, तो ये संभवतः नहीं है। सभी एसोसिएशन के लोग बता रहे हैं कि पहला एक्सपेरिमेंट है, देश में भी शायद ये आज पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी शुरुआत पहले करी है, पहल की है, चाहे वो फिजिकली चैलेंज की रही हो या वर्क प्लेस की हो या सोसाइटीज की रही हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर लोग इसको फॉलो करेंगे और अन्य जगह भी इस समाज के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। धन्यवाद सर। और हम यहाँ बात करेंगे, किरण है हमारे साथ में, जो एक प्रशासन द्वारा मुहिम और खासकर अगर आप बात करें किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से वैक्सीन का दौर तो चल रहा था, लेकिन आप लोगों की एक मांग भी थी कि आप लोग अभी तक इतने दूर थे इस वैक्सीन से। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, सिर्फ हम वैक्सीन से दूर नहीं थे, हम समाज के कई चीज़ों से, कई हिस्सों से दूर थे, दूर हैं। और जो ये गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने ये कैंप लगाया है, इसकी एक ये अलग किस्म का एक हमें ऑनर मिला गया, एक इज्जत दी गई है सरकारी तौर पे हमें, कि आज वास्तव में एक अंदर से अलग खुशी के अलावा गर्व भी है कि हम किन्नर समुदाय के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है। जहाँ भारत में वैक्सीनेशन के लिए मारामारी चल रही है, नंबर्स नहीं आ रहे, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो रहे हैं, वहाँ हम किन्नर समुदाय के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया। मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ हरियाणा सरकार का और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का और हमारी एनजीओ जिन्होंने हमें बुलाया है, सोसवा नॉर्थ टीआई का। तो यहाँ आपको स्लॉट नहीं, सीधे आकर के आपको वैक्सीन लगाई गई है, पहले स्लॉट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं, कोई स्लॉट नहीं, सिर्फ आधार नंबर, हमने उनको आधार कार्ड दिखाया, आधार नंबर नोट किया गया और वैक्सीनेट किया गया हमें। तो इनका क्या कहेंगे इस वक्त पूरे देशवासियों को भी एक संदेश, क्योंकि संकट की घड़ी, हालांकि आंकड़ों में काफी कमी आई है, सुधार हुआ है, लेकिन लोगों से क्या अपील करेंगे इसको लेकर? आंकड़ों की कमी या सुधार हुआ है मगर खत्म नहीं हुआ, ऐसा सुधार तो पिछले साल भी हुआ था सेकंड वेव से पहले। इस महामारी का एक ही एक इलाज है, कोरोना वैक्सीन। तो मैं पूरे समाज को हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, किसी भी जेंडर के हों, कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं, तभी कोरोना से छुटकारा मिलेगा।
तो आप देख सकते हैं कि इनका भी कहना है कि सभी को वैक्सीन लगाने की जरूरत है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर किस तरीके से, अगर बात करें तो यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो लगवाने के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर यहाँ बात करें तो एक अलग तरीके से इस वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है वो यहाँ पर की गई है, डांस करके एक हर्षोल्लास एक संदेश भी दे रहे हैं तमाम लोग कि यहाँ पर आए वैक्सीन जो है वो लगवाएं। लंबे समय से इन लोगों के द्वारा यहाँ पर मांग की जा रही थी कि वैक्सीन लगाई जाए। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर इस COVID-19 के इस दौर में इनके लिए वैक्सीनेशन की जो है व्यवस्था की गई है। बाकायदा अंदर आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कोविड सेंटर जो है जो यहाँ बनाया गया था प्रशासन की तरफ से, तमाम जो टीम है वो यहाँ तैनात की गई थी। सुबह से लगभग अब तक 150 लोगों को जो है, बात करें 150 ऐसे जिनके समाज जो लोग हैं जिनको ये वैक्सीन जो है वो लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि एक हर्षोल्लास के साथ तमाम लोगों में एक खुशी भी है क्योंकि इनका कहना है कि लंबे समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं इनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी। तो अब इस तरीके से प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़।